ये जेसीबी कहाँ से आ गया? लेवल 1 खत्म हो गया, चलो अब तुम लोगों को लेवल 2 में जाना है। क्या बोल रहे हो? लेवल 2 में हम जेसीबी से जाएंगे? तो क्या हवाई जहाज से जाओगे? नहीं, मैं तो समझ रहा था कि कुछ जादू वादू होगा और हम सीधा लेवल 1 से लेवल 2 में चले जाएंगे। ये देखो, चुपचाप हमें भरतपुर ले चल, जहाँ हमारा गांव है, नहीं तो तेरे को यही ठोक दूंगा। चलो, जान है तो जहान है। सरदार, आप इस जेसीबी ड्राइवर से डर गए? मुझे यकीन नहीं हो रहा। तो क्या करता, कमीना इतना बड़ा बंदूक मेरे खोपड़ी बतान दिया। अगर वह बंदूक चल जाती तो मेरे खोपड़िया का क्या हाल होता, सोच के ही डर लग रहा है। बड़े हरामी हो यार, थोड़े आराम से नहीं उतार सकते थे? मजा आया? ससुर यहाँ हड्डियों का कीमा बन गया है और तुझे मजा आ रहा है? एक बार ठीक हो जाऊं उसके बाद बताता हूँ तुझे। हिम्मत रखो, हम दोनों एक साथ एक सारा करवाएंगे अपने पिछवाड़े का, वो भी डिस्काउंट में। अबे ससुर, मैं पिछवाड़े का एक सारा क्यों करवाऊंगा, मेरे तो पेट में चोट लगी है। तो फिर कौन से हड्डी की टूटने की बात कर रहे थे तुम? पेट में हड्डी तो होती ही नहीं है। पेट में हड्डी थोड़ी होती है, पेट में तो चर्बी होती है। तो चर्बी टूट गई? ये लो ससुर, घुस के देख लो हमारी पेटवा में। लो घुसो घुसो, चर्बी टूट गई है। अबे भूरा, कहाँ जा रहे हो? जल्दी इधर छुप जाओ, नहीं तो वो तुम्हें मार देगा। भूरा भूरा, ये तो गया। चांद से चेहरे को यूं पर्दे में ना छुपाओ, इन्हें भी हक है आशिकों का दीदार करना। चांद में दाग, नचनिया रिवाइव कर मुझे। नचनिया क्या कर रही हो, जल्दी से रिवाइव करो मुझे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तो फिर मर जा। ऐसा ना कर नचनिया, अगर मैं मर गया तो तुझे पाप लगेगा। नचनिया, ये कौन सा तरीका है रिवाइव करने का? ये मेरा तरीका है। सरदार, बुरा न मानो तो एक बात पूछूं। पूछो सरदार, आप बहुत बड़े वाले मनहूस हो,
जब से मैं आपके साथ रह रहा हूँ, चोरी तो छोड़ो, तब से मैं किसी न किसी मुसीबत में फंस ही रहा हूँ। मुझे मनहूस बोलता है, ठोकूं यहीं पे तुझे, ठोकूं, ठोक दूं। नहीं सरदार, मैं तो मजाक कर रहा था। आप तो महान डाकू छिप्पन सिंह हो, जो किसी से नहीं डरता। तुम्हारी यही अदा मुझे पसंद आती है। जोन पास आ रहा है, जल्दी जल्दी सबको ढूंढो और खत्म करो। वो या आ गया, लगता है हम जीत गए।